हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। आज हम जा रहे हैं GIB मॉल, क्योंकि मुझे कुछ टी शर्ट्स लेनी थी। और ये है GIB मॉल नोएडा का। ये बहुत बड़ा मॉल है, पहले ये नोएडा का सबसे बड़ा मॉल हुआ करता था, और अभी DLF ने इसकी जगह ले ली है, DLF मॉल ऑफ इंडिया ने। और ये देखिए, पहुँच गए हम। ये फ्रंट गेट है, यहाँ से भी इसकी एंट्री है। पहले यहाँ पे आपका टेम्परेचर मेज़र होता है, फिर सैनिटाइज करते हैं और फिर आप एंटर होते हैं यहाँ पे। और मॉल के अंदर की शॉप्स ओपन हो गई हैं और लोगों की चहल पहल भी दिख रही है। ये देख सकते हैं कि कपड़े की दुकानें खुल गई हैं सारी की सारी, और ये कितनी अच्छी साड़ियाँ लगी हैं यहाँ पर। और ये शॉपर स्टॉप, और यहाँ भी बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, लेकिन आज मॉल में वो बात नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ हुआ करती थी और आज एकदम खाली खाली सा लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल है कोविड से। और अब हम जा रहे हैं बिग बाज़ार, और ये है बिग बाज़ार का एंट्रेंस। बिग बाज़ार के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे बॉटल हो, यूटेंसिल्स हो, कपड़े हो, खाने का सामान हो, सब बहुत ही चीप रेट में मिल जाएगा, और बहुत अच्छी और टिकाऊ चीज़ें आती हैं यहाँ पे। ये देखिए, तरह तरह की बॉटल्स लगी हुई हैं, आगे तरह तरह के प्लास्टिक यूटेंसिल्स हैं, जार्स हैं। इस जगह पे आपको तरह तरह के सूटकेस, ब्रीफकेस और हाइकिंग के बैग्स सब मिलते हैं, और मैंने फर्स्ट अपना सूटकेस यहीं से ख़रीदा था, जो आज भी बहुत चल रहा है। और लास्ट ईयर भी मैंने फॉर्मल पैंट्स यहीं से ख़रीदी थी, और यहाँ की फॉर्मल पैंट्स का आपका अगर मैं फीडबैक दूँ तो बहुत ही टिकाऊ होती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की रहते हैं। आइए आपको लेके चलता हूँ किड्स सेक्शन में। यहाँ बच्चों के बहुत ही बेहतरीन कपड़े मिलते हैं और बहुत ही अच्छे रेट्स पे। देखिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लगे हुए हैं, तो आप बच्चों की शॉपिंग बहुत अच्छे से यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं, ये है ग्रोसरी सेक्शन। यहाँ आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, तो मैंने एक पैंट ली और एक शर्ट। अब मैं जा रहा हूँ टी शर्ट लेने, तो हम पहुँच गए लाइफ स्टाइल। एक ही शर्ट है, एक ही वाली टी शर्ट,
और एक ये वाली टी शर्ट है, तो आप बताना कि कौन सी अच्छी लग रही है। तो आप लोग बताइए कि देखिए ये वाली टी शर्ट कैसी अच्छी लग रही है, मुझे तो पसंद आ रही है। एक ये वाली टी शर्ट है, ये कैसी लग रही है, ये भी बहुत पसंद आ रही है। और एक टी शर्ट है, ये मुझे पसंद तो आ रही है लेकिन थोड़ा सा कलर ना बस ऑड लग रहा है और थोड़ा इससे गर्मी भी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ टी शर्ट ही ले जाऊँ। और टी शर्ट्स ज़्यादा महंगी नहीं थी, बहुत ही सस्ते में पड़ गई क्योंकि ऑफर चल रहा है, और अचानक चलते चलते ही मेरी वाइफ का सैंडल टूट गया था, तो फिर हम कोई सैंडल की दुकान देख रहे थे जहाँ से उसके लिए सैंडल खरीद सकें, क्या करूँ देख के, और फाइनली ये हमें दुकान मिल गई। तुम पहन नहीं सकते तो दोस्तों, ये है मीना बाज़ार, बहुत महंगी साड़ियाँ होती हैं। जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी तब मेरी मम्मी के लिए साड़ी यहीं से खरीदी थी, और सैंडल की शॉप्स में ये देखिए कितने सारी सैंडल्स स्लीपर्स लगी हुई थी, और कोई पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि इतनी सारी वैरायटी थी। तो फाइनली ये उसको एक जूतियाँ पसंद आई और वो अच्छी भी लग रही थी तो हमने वो ख़रीद ली। तो फाइनली अभी मैं निकल रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और अब हम अपने घर की ओर चल दिए क्योंकि हमारी शॉपिंग भी ओवर हो गई थी, और बहुत दिनों बाद मॉल के अंदर गए थे क्योंकि कोविड के टाइम से मॉल बंद चल रहे थे, तो थोड़ा अच्छा भी लगा। तो अभी हम निकल के आ गए हैं मॉल से बाहर, अब जा रहे हैं घर को। नारियल पानी पी लेते हैं, तो अभी हम आए हैं नारियल पानी पी रहे हैं, एक स्पेशल नारियल पानी, चल एक पानी वाला दे दो पे पीना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कल फिर मिलेंगे।